मैं कौन हूँ? थोड़ी देर और सो लेती हूँ। जानना है मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहूंगी? ये तो बड़ा ही सीरियस फैसला है। ओह, मैं एक ऐसा करियर चुनूंगी जिस पर किसी को भी हंसने की हिम्मत नहीं होगी। एक साइंटिस्ट, वो बहुत ही सीरियस काम होता है। उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, सोच सोच कर नई नई चीजें बनानी होती है। नहीं, ज्यादा सोचना भी दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा तो मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर हंसे। जो भी हंसेगा मैं उसे एक बड़ा इंजेक्शन दे दूंगी। उससे भी अच्छा आइडिया, मैं टीचर बनूंगी। जो भी हंसेगा उसे कर दूंगी फेल। अगर फिर भी नहीं समझा तो उसका सामना होगा प्रिंसिपल से। ओ, जाने का वक्त हो गया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब से मैं ही तुम सबकी नई टीचर हूँ। आप जब भी होते हो उदास, आँखों में अंधेरा घना, हाँ घना, अपनी हुनर है काफी खास। रख विश्वास और गाओ मस्ती भरा गाना। जानेंगे अब कितने हो तुम खास। मस्ती करना जरूरी है जिससे खुल जाए सारे द्वार। हर बार मुझको मिल जाए मंजूरी तेरी। सबको ये बातें तो पता है।
ऐसा लगता है कि मैं अभी कोई भी काम करने के लायक नहीं हूँ। मुझे तो बस यही एक काम अच्छी तरह होता है, मैं बस सबको हंसा सकती हूँ। फ्रेंड्स आप पर हंसते हंसाते भी ऐसे जताए आपसे प्यार हर बार, दुख में रहना ना कभी भी, जब भी लोग आपसे करेंगे खूब प्यार। Yes! सब कहेंगे तुम हो दिलदार। तरीका वाह, क्या बात है, ये सब कितना अच्छा है। मैंने सीखा फैशन से, इंप्रेस करते हैं कैसे, जो सुंदरता ना रहे ब्यूटीफुल कोई ना कहे। तुम सब मुझसे अब कुछ तो सीखो। शैडोज, ब्लश और ग्लॉसी लिपस्टिक, वो करे काम और करे नाइस ट्रिक। मैं बन जाऊंगी रानी देखो।
कोशिश की बस कर दी हद, जिससे हुआ मुझको दर्द, कर ना पाऊँ मैं तो मेकअप, अच्छा है बन जाऊँ बतख, छोड़ दूंगी ये सब, ना करना मेकअप, मैंने मान लिया हद से ज्यादा ये क्या कर लिया, जब देखा जाके आईना, बात मेरी समझ आईना, स्कैरी दिख रही हूँ मैं पूरी, कितनी भयंकर, ज्यादा मेकअप पड़ गया भारी। तुम ऐसे लेटे क्यों हो? इतनी सारी सुंदरता तस्वीरों में कैद करो। बनी, क्या तुम भी मेरी तरह सुंदर दिखना चाहते हो? सुबह की ट्रेन से आ रही हूँ, तुम्हारी कजिन दाशा, और प्लीज लेट मत होना। चलो तुम्हारे कपड़े बदलवा देती हूँ। देखो हम दोनों ट्विन्स लग रहे हैं। जल्दी चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है मेरा छोटा सा बच्चा और ये है मेरी कजिन दाशा। उसे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह, मुझे पता है तुमसे मिलकर और कौन खुश होगा। मैं बस दो
आई और 5 मिनट में आई। अपना ही घर समझो, मैं बस अभी आई। कजिन टाशा, हाँ बेचारा बैर तुमसे मिलने की खुशी सह नहीं पाया। Thank you.
ओह वाह, ये तो कमाल का गैजेट लगता है। सच में बड़ी ही फोटो जीनियस हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे कहाँ टांगूं? कूल! मैं पैर की फोटो लेना तो भूल ही गई। पैर, प्लीज कहो चीज। लगता है मुझे बाहर खुले में फोटो खींचनी चाहिए। प्यारे बनी, प्लीज कहो चीज। तुम अपनी फोटो ले जाना भूल गए। हेलो दोस्तों, प्लीज कहो चीज। ये कैसे करते हैं?
भी कितनी अच्छी है। माशा आ गई तुम्हारी मदद के लिए तैयार। मेरी कार टू
कार्टून्स, मेरे कार्टून्स, मेरे कार्टून्स। वाह, चलो फिर से मरम्मत हो जाए। क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त। क्या पैर को कुछ हुआ है? फिर किसका इंतजार है? चलो चले, जल्दी चलो।
हुआ, अब तुम्हें ठीक करना ही होगा। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तुम सो रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा किसी को मदद की सख्त जरूरत है? Yeah!
समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? होता है, मैं समझ गई। मैं कह रही हूँ ये एक छोटे बच्चे को पालने का सही तरीका नहीं है, और मैं कह रही हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा जैसे चाहूँगी वैसे पालूंगी। ये एक बच्चे को खाना खिलाने का सही तरीका नहीं है, और मुझे पता है मेरे बच्चे को यही खाना सबसे अच्छा लगता है। ओह, मेरा छोटा बच्चा कहाँ भाग गया? मैं यही कह रही थी, छोटे बच्चे ऐसी माँ से दूर नहीं भागते जो उनका ख्याल रखती है। मानना है कि बच्चे को सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं होता, बच्चे को पढ़ना, पेंट करना और गाना सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना है कि बच्चे को खाना खिलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आहा! देखा ना, मेरा बच्चा बिना सिखाए ही पढ़ने लग गया। अब बस करो, अब बहुत हुई पढ़ाई, अब हम बच्चे को खाना खिलाएंगे, फिर हम इसे सुलाएंगे और हम फिर से इसे खाना खिलाएंगे। ओह, ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये खाना बनाया और तुम्हें ये नहीं चाहिए? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, हम बनेंगे सिपाही। पैर, क्या हम ये कर सकते हैं? वाह, उसने हाँ कह दिया, हम सब सिपाही बनेंगे अभी इसी वक्त। जूते, ग्लव्स, टोपी, पंख पहने हुए लग रहे हैं मस्केटियर्स। लो हम चले, दुश्मन होंगे पल में गुल हमारे, आज देख लेंगे जब वो मेरी रंग भरी मुस्ताज। मैं कर दूं सबको इम्प्रेस, फिर चाहे जो भी हो और पाऊं बड़ी सक्सेस, खेल ये जीतूं जो। चलो थोड़ा तेज चलाओ, तुम सब मेरे पीछे आओ।
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमारी इंचार्ज हो? एक तो मैं यहाँ सबसे खास हूँ इसलिए, और इसलिए भी क्योंकि मैं महान योद्धा हूँ, समझी मैडम? कौन कौन हो फिर से कहना तो? मैं हूँ एक हीरो, और तुम बताओ तुम कौन हो? और तुम कौन हो? ओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं कहती हूँ तुम वो नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हूँ, मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं, तुम जैसा निकम्मा कोई नहीं। ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम हो कौन? कोई नहीं, और तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत तोड़ कहाँ जा रहे हो? जरा हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं? बैर इंतजार कर रहा है और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। तुम सही हो, हम सब एक जैसे सिपाही हैं। सारे प्रेजेंस कहाँ हैं? और हमारा चौथा साथी कहाँ चला गया? वो जरूर अकेले दुश्मन का सामना कर रहा होगा। चलो चलकर अपने साथी की मदद करें। हे जरा सुनो, क्या तुमने यहाँ से एक सिपाही को जाते हुए देखा? तुमने उसे देखा? उसके बाद यहाँ क्या हुआ? देखा ना, मेरा बच्चा एक असली हीरो बन गया, और तुमने कहा था मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। हे मिस्टर, अपने पंजे दूर रखो एक सिपाही से। मस्केटियर्स कहते उनका सीक्रेट ये, हिम्मत है जरूरी ज्यादा ड्रेसिंग से। कर लो अपने हाथों को फिर तैयार, जब उठाओ तुम वो अपनी हिम्मत तलवार। जो हो साथ हम बढ़ते जाए, जो हो अलग गिर जाए। आओ एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आओ मेरे सिपाही दोस्त, रानी से बचाए। अरे हमसे मिलने ये कौन आया है? क्या आप राजा जी हैं? क्या सच में? ओह, अरे बाप रे! एक राजा का तो शानदार स्वागत होना चाहिए। शानदार स्वागत के बिना राजा जी के आने का कोई मतलब नहीं है। अब चलिए राजा जी, पहले आप वापस अंदर जाइए और फिर वापस बाहर आइए। चलती हूँ। मेरे ख्याल से एक राजा को इस तरह जंगल में टहलना सूट नहीं करता। एक राजा को इस तरह रुककर बेरीज तोड़ना सूट नहीं करता।
राजा को ये सूट नहीं करता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर एक राजा को इस तरह कार्स ठीक करना सूट नहीं करता। एक राजा को ऐसे काम सूट नहीं करते। राजाओं को ये सब नहीं करना चाहिए। राजा को बैस को झप्पी देना सूट नहीं करता। एक राजा को कभी गंदे बर्तन नहीं धोने चाहिए। और एक राजा को सफाई करना सूट नहीं करता। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? ओ, आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है एक राजा को मछली पकड़ने जैसा काम करना सूट करता है? मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मेरी गैर हाजिरी में मैं अपना ताज कुछ वक्त के लिए रानी मैरियाना को सौंप रहा हूँ। क्या आपका मतलब मुझसे है? क्या मैं रानी हूँ? अब मुझे जाकर एक रानी के काम पूरे करने चाहिए। जी ने मुझे अपनी नई फेवरेट रानी बना दिया है। एक रानी को अपने पैरों पर चलना सूट नहीं करता। मुझे एक शाही सवारी चाहिए। एक शाही सवारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मुझे महल ले चलो। एक रानी को इतने छोटे घर में रहना सूट नहीं करता। चलो आ जाओ, सब मेरे लिए एक महल बनाओ। ओके, अब तुम एक रानी को सूट करने वाली दावत तैयार करो। और तुम मेरे लिए बनाओ बगीचे, मूर्तियाँ और फव्वारे। इस महल की हर एक चीज को शाही होना होगा। वाह, ये तो कमाल का है। एक शाही गद्दा। वैसे मेरी प्रजा ने तो काफी अच्छा काम किया है। इसे कहते हैं शाही सवारी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये है असली आर्ट। जो रानी के लिए अच्छा हो वही प्रजा के लिए अच्छा होता है। मेरी जैसी रानी और कोई नहीं। सच में मेरा कोई जवाब नहीं। अब शाही दावत पेश की जाए। भूल गए? ये खाना एक रानी के लिए है और मैं तुम्हारी रानी हूँ। हाँ?
हुई अपनी रानी को चुप कराने की। ओह, एक रानी को ऐसे कोने में खड़े रहना सूट नहीं करता। मुझे कुछ हो गया था, शायद मेरे लिए ये कोना ही सही जगह है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे कोने में खड़े होकर ये समझ आ गया कि एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में छिपी होती है। दिखाती हूँ अपना कमाल। इसे पहचाना? तुम्हारी जैसा नहीं दिखता। मैं अपने मास्टरपीस में किसकी पेंटिंग बनाऊं? सारी फिर मिलेगी तुमको मंजिल, तुम रखो कोशिश।
खुशियों से भर जाए ये मन, चूमे गाए नन्हा सा दिल। बर्फीला जंगल कैसे रंगों से चमके, नीली पीली किरणों से बुझली सा दमके। हो गए हो कामयाब भूलर के बल पे, और छोड़ो तुम अपनी छाप पूरी दुनिया पे। देखो अपने आस पास पाओगे खुशियाँ सारी, फिर मिलेगी तुमको मंजिल। तुम रखो कोशिश जारी, गर तुम पा भी ना सको खूबसूरत मंजिल पर, खुशियों से ये मन झूमे गाए नन्हा सा दिल। खुशो भरा नन्हा दिल, दिल खुशी से भर जाएगा। चार पाँच छः ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले। चलो समझ गए नन्हे गुरु, अब आप